हेलो एवरीवन, ये सीडीएस का क्वेश्चन पेपर है जिसका एग्जाम नवंबर 18, 2018 को हुआ था। इस वीडियो में हम ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस लेंगे और इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कैसे सॉल्व किया जाता है आप वो भी सीखोगे। स्टूडेंट्स, पीक्यूआरएस के जो क्वेश्चंस आते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चंस को बहुत स्पीडीली और बहुत एक्यूरेटली सॉल्व करना है और कभी भी आप लोग पूरा अच्छे से सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड पढ़ के कभी भी सॉल्व मत किया करो। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है एलिमिनेशन टेक्निक से। आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर करके आप सही ऑप्शन तक पहुंचो। और कभी भी आप वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ने की कोशिश मत करना और कभी भी इसकी मीनिंग समझने की भी कोशिश मत करना। अगर आप मीनिंग भी समझने की कोशिश करोगे तो फिर मीनिंग में ही रह जाओगे, उसी में फंस के रह जाओगे, आप सही आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रही हूँ। एक बार मैं ये पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लूंगी, एकदम स्पीडीली पढ़ना है, इसकी मीनिंग में मत जाना। हैव बिकम इंटीग्रल टू मोस्ट पीपल्स लाइफ, डिबेट फॉर ईयर्स एज डिवाइसेस, हैव ड्रॉन इंटेंस इंटरेस्ट एंड सेफ्टी क्वेश्चंस अबाउट सेल फोन्स। जब ये मैंने पूरा पढ़ा तो मुझे एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि आर एंड में नहीं आ सकता है। तो आप देखिए, क्योंकि लास्ट में एंड है इसीलिए आखिर में कभी भी नहीं आ सकता। ऑब्वियसली एंड के बाद एक और सेंटेंस होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें आर लास्ट में, वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमने सी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब मुझे ये भी पता है कि क्यू भी लास्ट में नहीं आ सकता। रीजन ये है, इसमें लिखा है डिबेट फॉर द ईयर्स एज द डिवाइसेस, एज द डिवाइसेस इसके बाद भी एक और कुछ होना चाहिए था, ये तो इनकम्प्लीट लग रहा है एज द डिवाइसेस। तो आपका क्यू भी एंड में नहीं आना चाहिए था। तो आपका बी और सी ऑप्शन दोनों एलिमिनेट हो गया। अब बचा ए और डी। जब आपके चार में से दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं तो आप ये समझ लो आपने 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब ये दो ऑप्शन कौन सा है, पी क्यू आर एस और एस आर क्यू पी। आप जल्दी से इसको अरेंज अगर करोगे पी क्यू आर एस के अकॉर्डिंग और एस आर क्यू पी के अकॉर्डिंग, तो आपको पता चल जाएगा सही आंसर कौन सा है। तो पी क्यू आर एस के अकॉर्डिंग हम करते हैं। हमें अच्छे से पता है कि पी से भी सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। रीजन क्या है, हैव से सेंटेंस कभी भी नहीं, वर्ब से सेंटेंस अगर शुरू हो रहा है तो इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। पी क्यू आर एस में आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस पूरा का पूरा कभी नहीं मिलता है, उसमें से कोई एक पार्ट इंटरोगेटिव होगा मगर एज सच पूरा नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हैव से शुरू हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो सही क्या है, एस आर क्यू पी। सेफ्टी क्वेश्चंस अबाउट सेल फोन हैव ड्रॉन इंटेंस इंटरेस्ट एंड हैव एंड डिबेट फॉर ईयर्स एज द डिवाइसेस हैव बिकम इंटीग्रल टू मोस्ट पीपल लाइव्स। तो आपका सही आंसर है एस आर क्यू पी। अगर आप ये वाला क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यू से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, सिविलाइजेशन टू ब्रिंग अबाउट, इससे सेंटेंस नहीं स्टार्ट होगा। सिविलाइजेशन टू ब्रिंग अबाउट, इससे सेंटेंस नहीं स्टार्ट होता है। तो आपका क्यू से सेंटेंस नहीं स्टार्ट हो सकता मगर क्यू हमारा ऑप्शन में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन जब ये ऑप्शन में नहीं है तो आप कैसे एलिमिनेट करोगे। फिर है आर से सेंटेंस एंड भी नहीं होगा। रीजन ये है, इसमें लिखा है इट इज डिफिकल्ट इन मॉडर्न, इट इज डिफिकल्ट इन मॉडर्न, तो मॉडर्न के बाद कुछ तो आना चाहिए राइट, मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न एरा, कुछ आना चाहिए। इट इज डिफिकल्ट इन मॉडर्न तो नहीं बोलते, तो आर से सेंटेंस एंड नहीं होगा। तो आपका सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे आर से एंड हो रहा है राइट। दूसरा है एक पेयर भी आप बनाना सीख। अब इसमें पेयर मेरा बन रहा है आर और क्यू का, इट इज डिफिकल्ट इन मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन, तो ऑब्वियसली आर और क्यू का पेयर बनेगा और आर और क्यू का पेयर आपका सिर्फ ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में नहीं है, सी ऑप्शन में क्यू आर का पेयर है और डी में भी है, यस डी में भी आर क्यू का पेयर है। ओके, तो आपका दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, बी और सी, बचा ए और डी ऑप्शन राइट। अब जल्दी से हम अरेंज कर देते हैं ए और डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेंटेंस को। सबसे पहले हम डी के अकॉर्डिंग सेंटेंस को अरेंज करते हैं। By means of education, it is difficult in modern civilization to bring about an integrated individual. और RQSP है, it is difficult in modern civilization to bring about an integrated individual by means of education. किसी किसी को दोनों सही लग रहा होगा मगर आपका सही जो होगा आंसर वो ए होगा, आर क्यू एस पी। क्योंकि अगर आप देखोगे इट इज डिफिकल्ट इन मॉडर्न सिविलाइजेशन टू ब्रिंग अबाउट एन इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल बाय मींस ऑफ एजुकेशन, और यहाँ पर बाय मींस ऑफ एजुकेशन से शुरू हो रहा है और आपका इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल लास्ट में आ रहा है,
तो ये दोनों थोड़ा नज़दीक होना चाहिए था, क्योंकि इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल एजुकेशन से आएंगे ना, तो ये दोनों थोड़ा नज़दीक होना चाहिए था, इतना दूर नहीं होना चाहिए था, राइट? तो आपका सही आंसर आर क्यू एस पी होगा. क्वेश्चन नंबर 71. अब देखिए, सेंटेंस पी से स्टार्ट हो सकता है क्या? इज दैट इट इज से शुरू होगा? नहीं, तो पी वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पी से स्टार्ट हो रहा है, तो डी ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया. फिर उसके बाद आप देखिए, क्या क्यू से शुरू हो सकता है? यहाँ पर भी वर्ब है, तो क्यू से भी शुरू नहीं होगा, मगर ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास. ओके, अब एस से शुरू हो सकता है सेंटेंस, एज द मेजोरिटी ऑफ इट्स प्रैक्टिशनर्स. यहाँ पर दो रीजन से एस से शुरू नहीं होगा. पहला रीजन तो ये है कि एज से शुरू हो रहा है, और दूसरा रीजन है इट्स. यहाँ पे ये इट्स कौन है हमें पता ही नहीं है, तो सबसे पहले ये इट्स जिस नाउन को रेफर कर रहा वो पहले आना चाहिए था, फिर बाद में इट्स आएगा ना. हमें तो पता है सबसे पहले नाउन आना चाहिए और फिर प्रोनाउन आना चाहिए. पहले मैं टॉम को इंट्रोड्यूस करूँगी, उसके बाद टॉम की जगह मैं आगे वाले सेंटेंस में ही लिखूँगी. ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पहले ही लिखूँ और फिर टॉम लिखूँ, नहीं. तो आपका सबसे पहले नाउन आएगा और फिर आपका प्रोनाउन आना चाहिए. तो दो रीजन की वजह से एस शुरुआत में नहीं आ सकता, तो आपका ये एस भी एलिमिनेट हो गया. तो आपका एस एलिमिनेट हो गया है, यानी सी एलिमिनेट हो गया और डी एलिमिनेट हो गया. हमारे पास ए और बी ऑप्शन है, राइट? अब ए और बी ऑप्शन में आप देखिए, स्टार्टिंग आर से हो रहा है, एंड क्यू से हो रहा है. सारा खेल एस पी या पी एस का है. जल्दी से हम इसको अरेंज कर लेते हैं. जब भी आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, तो आप समझ जाओ कि आप जल्दी से सही आंसर तक आराम से पहुंच जाओगे. अब एस पी होगा कि पी एस होगा, तो मैं सिर्फ एस पी और पी एस को देख लेती हूँ. एज द मेजोरिटी ऑफ इट्स प्रैक्टिशनर्स इज दैट इट इज नॉट प्रोफेशनल इनफ, ये सही है, या पी एस सही है? इज दैट इट इज नॉट प्रोफेशनल इनफ एज द मेजोरिटी ऑफ इट्स प्रैक्टिशनर्स हैव नॉट डन देयर होमवर्क. तो हमारा सही क्या होगा? बी होगा. आर पी एस क्यू, मैं वापस से अच्छे से पढ़ लूँ. अ वैलिड क्रिटिसिज्म ऑफ द प्रोफेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया इज दैट इट इज नॉट प्रोफेशनल इनफ एज अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स प्रैक्टिशनर्स हैव नॉट डन देयर होमवर्क. और वैसे भी पी और क्यू एक साथ नहीं आएगा. इज दैट इट इज नॉट प्रोफेशनल इनफ हैव नॉट डन, ये पी और क्यू वैसे भी साथ नहीं आएगा, एस और क्यू साथ आना चाहिए था. तो आपका सही ऑप्शन है बी, आर पी एस क्यू. मैंने किस तरह से सेंटेंस को रीअरेंज करना चाहिए, या पैरा जंबल कैसे सॉल्व करना चाहिए, पी क्यू आर एस कैसे सॉल्व करना चाहिए, इसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है. आप लोग प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ पे सेंटेंस अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट फॉर एसएससी सीडीएस एनडीए लिखा हुआ है, वो आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो. मैंने सारे शॉर्ट ट्रिक्स अपलोड किए हुए हैं. हम देख रहे हैं कि इसमें एस और पी दोनों से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता. एस में शुरुआत किससे हो रही है? एंड से, इसलिए सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा. और पी में शुरुआत दैट से हो रही है, तो सेंटेंस नहीं स्टार्ट होगा. तो यहाँ पर सी और डी अपने आप एलिमिनेट हो गया. बचा हमारा ए और बी, आर क्यू पी एस और आर क्यू एस पी. अब दोनों को हम अरेंज कर लेते हैं, दोनों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को अरेंज करते हैं. आर क्यू पी एस में देखिए, वी आर लिविंग एट अ टाइम व्हेन ग्रेट हिस्टोरिकल फिगर्स आर अप्रोप्रिएटेड दैट सूट पार्टिसन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड रिड्यूस इनटू स्टीरियोटाइप्स. आर क्यू एस पी देखते हैं, वी आर लिविंग एट अ टाइम वेन ग्रेट हिस्टोरिकल फिगर्स आर अप्रोप्रिएटेड एंड रिड्यूज इन टू जीरो स्ट्राइव्स दैट सूट पार्टिसन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स. सही आंसर आपका बी होगा, आर क्यू एस पी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पी से एंड नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट में दैट है, तो पी से एंड नहीं होगा, तो आर एस क्यू पी एलिमिनेट हो गया. क्यू से शुरुआत नहीं हो सकता, एंड से नहीं शुरुआत होगा, मगर यहाँ पर क्यू से शुरुआत ही नहीं हुआ ऑप्शन में. एज अ प्रोवाइडर ऑफ जॉब्स, एस से भी शुरुआत नहीं हो सकता, मगर एस भी ऑप्शन में नहीं है शुरुआत में. तो आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है, वो है आर एस क्यू पी. अब जब एक ही ऑप्शन एलिमिनेट होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हमें, और हमें फिर तीनों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को अरेंज करना होता है. तो आप जब तीनों ऑप्शंस को सेंटेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे, तो आपको पता चलेगा सही ऑप्शन आपका पी आर एस क्यू है. सी, इट इज इन दिस कंटेस्ट दैट The role of agriculture as a provider of jobs and prosperity must be viewed. तो आपका सही आंसर पी आर एस क्यू है. जब सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं तो वो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है. जब एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होते हैं तो वो क्वेश्चन तो बहुत टाइम ले लेता है. तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि जैसे ही पी क्यू आर एस का क्वेश्चन दिखे, फर्स्ट क्वेश्चन दिखे, वैसे ही आप ऑप्शन को एलिमिनेट करो.
क्लू ढूंढो, क्वेश्चन के अंदर ही आपको क्लू मिलेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मुझे इसमें क्लू दिख रहा है कि पी से सेंटेंस शुरुआत नहीं होना चाहिए क्योंकि एंड है, मगर पी ऑप्शन भी नहीं है। आर से सेंटेंस एंड नहीं होना चाहिए क्योंकि लास्ट में दैट आया है, तो आपका बी और सी एलिमिनेट हो गया एक बार में। तो क्वेश्चन के अंदर ही आपको हिडन क्लूज मिलते हैं, वो हिडन क्लूज आपको क्लिक करना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखिए, एस से भी सेंटेंस एंड नहीं होगा। रिच मटेरियल्स फाउंड, फाउंड वेयर, कुछ तो आना चाहिए था ना आगे, ये तो इनकम्प्लीट लग रहा है, तो एस से भी एंड नहीं होना चाहिए था। तो आपका ए बी सी डी अपने आप एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, एस आर क्यू पी, सही आंसर डी। एक बार पढ़ लेते हैं, रिच मटेरियल्स फाउंड फ्रॉम एक्सकवेशन साइट्स इंडिकेट दैट द पीपल हैड अ सब्सिस्टेंस इकोनॉमी एंड दे लार्जली रिलाइड ऑन एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड हंटिंग। क्वेश्चन नंबर 75 में अगर आप देखेंगे तो पी से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता क्योंकि एंड आ गया है, तो डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पर पी से शुरू हो रहा है। आर से सेंटेंस एंड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे वर्ब है, बट श्योरली देयर मस्ट बी, तो कुछ आगे होना चाहिए था, आर से सेंटेंस एंड नहीं होगा, तो आपका सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि आर एंड में है। हमारे पास बचता है दो ऑप्शन, ए और बी, आर क्यू एस पी, आर क्यू पी एस। अगर आप सेंटेंस को अच्छा से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ए ऑप्शन एकदम सही है। मैं एक बार इसको पढ़ लेती हूँ, आर, बट श्योरली देयर मस्ट बी समथिंग इम्पॉर्टेंट इनफ दैट एवरीवन शुड लर्न इट एंड दैट इज टू से आई एम सॉरी। तो आपका सही आंसर ए होगा, आर क्यू एस पी। क्वेश्चन नंबर 76 है, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा क्योंकि मेरे से एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं। मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे लगा हाँ क्यू से एंड नहीं होना चाहिए क्योंकि लास्ट में इज आ रहा है, मगर हमारे ऑप्शन में क्यू नहीं है लास्ट में। फिर मैंने पी देखा, अच्छा पी से शुरुआत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें शुरुआत में और है, तो पी से शुरुआत भी नहीं हो रही है, तो मेरे ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह से ये मुझे क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है और मैं सही आंसर तक इसमें पहुंच नहीं पा रही हूँ। तो अगर क्वेश्चन नंबर 76 में अगर किसी के पास कोई शॉर्ट ट्रिक है या किसी को पता है इसका आंसर क्या है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और यदि आपको किसी भी पीक्यूआरएस के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है सॉल्व करने में या ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना ही समझदारी है। अब क्वेश्चन नंबर 77, अब आप 77 क्वेश्चन में देखोगे तो एस से एंड नहीं हो सकता। देयर वॉज अ टाइम व्हेन गांधी जी एक्सप्रेस्ड, गांधी जी एक्सप्रेस्ड व्हाट, आगे कुछ होना चाहिए था, तो एस से एंड नहीं होगा, तो बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। पी से भी एंड नहीं हो सकता, इसमें लिखा है द ओपिनियन दैट अ ह्यूमन लाइफ, अ ह्यूमन लाइफ, उसके बाद एक वर्ब आना चाहिए। आई मीन अगर हम बोल रहे हैं उसने ओपिनियन बताया कि ह्यूमन लाइफ, अब उसके बाद कुछ तो आना चाहिए था ना, तो पी से भी एंड नहीं होगा, तो हमारा बी और डी ऑप्शन दोनों का दोनों एलिमिनेट हो गया। अब हम ए और सी में आते हैं, दो ऑप्शन में हम बच गए हैं। जैसे ही दो ऑप्शन हमारे पास रहता है तो आप समझ जाओ कि आप 90% क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। अब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप सेंटेंस को अरेंज करोगे तो आपको पता चलेगा सही ए है, एस पी आर क्यू। There was a time when Gandhi ji expressed the opinion that a human life could span 125 years and that he would quite like to live that long. अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्यू से एंड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में एंड आ गया है, तो आपका सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आर से स्टार्ट नहीं हो सकता, टू वॉट आई मे हैव सेड बिफोर, तो टू वॉट से क्या स्टार्ट होगा, तो आर से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। एस से भी स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट में एंड आया है, तो एस खैर हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमारा ए और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है, बचा बी और डी। इसमें एक पेयर भी है, वो पेयर है रिगार्ड्स और टू का पेयर, रिगार्ड्स के बाद टू आता है ना, तो एस और आर का पेयर है और एस और आर का पेयर आपको सिर्फ डी में मिल रहा है, क्यू आर पी एस जो बचा है ऑप्शन उसमें नहीं मिल रहा है, तो आपका सही क्या है, डी आंसर, क्यू पी एस आर। अब हम इसको कंफर्म करने के लिए हम सेंटेंस को अरेंज कर देते हैं इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आई एम अ वॉटरी ऑफ ट्रूथ एंड आई मस्ट से व्हाट आई फील एंड थिंक एट अ गिवन मोमेंट विदाउट रिगार्ड्स टू व्हाट आई मे हैव सेड बिफोर, तो सही ऑप्शन डी है। अब ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, द मैन इन द कॉम्पिटिशन वाला, इस क्वेश्चन नंबर 79 में, अब देखिए स्टूड फर्स्ट, कहाँ पे फर्स्ट स्टूड करेगा कंपटीशन में, इलेक्ट क्या हुआ है चेयरपर्सन,
तो आप देख रहे हो एस और पी का पेयर आराम से हो सकता है. तो एस और पी का पेयर आपको सिर्फ ए और डी में ही मिल रहा है, बी और सी में नहीं मिल रहा है. बी और सी में एस और पी दूर है और यहाँ पर सी में पी एस है, उल्टा है. तो आपका बी सी एलिमिनेट हो गया. ए और डी, ए और डी में अगर आप सेंटेंस को अरेंज करोगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपको पता चलेगा सही ऑप्शन ए है. एस पी क्यू आर. द मैन, यहाँ पे शुरुआत दे दिया गया पहले से. The man in red who stood first in the competition has been elected as the chairperson of the sports committee. अब देखिए students, यहाँ पे already शुरुआत दी गई है one of the difficulties. तो one of the difficulties के बाद और affect the masses ये हो सकता है? नहीं. तो फिर क्यों से शुरुआत नहीं होगा उस हिसाब से, क्योंकि one of the difficulties के बाद और affect the masses नहीं आ सकता. तो क्यों से start नहीं हो सकता, आर से भी स्टार्ट नहीं हो सकता. वन आउट ऑफ डिफिकल्टी द डे आफ्टर टुमारो, मगर आर ऑप्शन में नहीं है. ओके, तो आपका एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. अब देखिए मैनकाइंड से एंड हो सकता है, मासेस से भी एंड हो सकता है, टुमारो से भी एंड हो सकता है. एस जो है ना उससे एंड नहीं होगा. इज दैट वी वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म, हाँ एस से भी एंड हो सकता है. और यदि आप ऑप्शन में देखोगे या तो आर से एंड हो रहा है या तो क्यू से एंड हो रहा है. यदि आप तीनों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को अरेंज करोगे तो आपको पता चलेगा सही ऑप्शन एस पी क्यू आर है. ये क्वेश्चन ऐसे तो डिफिकल्ट नहीं है, मगर डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये टाइम ले रहा है, क्योंकि हमें तीन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को अरेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा एक ही ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हुआ है. तो सही आंसर एस पी क्यू आर है. वन ऑफ द डिफिकल्टीज इज दैट वी वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म द होल ऑफ मैनकाइंड और अफेक्ट द मासेस द डे आफ्टर टुमारो. एस से सेंटेंस एंड नहीं हो सकता, मैनी इश्यूज बिसाइड्स, मगर एस ऑप्शन में है ही नहीं. पी से शुरुआत नहीं हो सकता, द स्पीकर ऑफ देयर इनएक्शन. आपका ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि पी से शुरुआत हो रहा है यहाँ पर. एस से भी शुरुआत नहीं हो सकता, द स्पीकर मैनी इश्यूज बिसाइड्स, इस तरह से नहीं शुरुआत होगा ना, द स्पीकर मैनी इश्यूज बिसाइड. तो आपका सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया. तो आपका ए और सी दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. बचा है QSRP और QSP. आप दोनों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को अरेंज करेंगे तो आपका सही आंसर होगा QSRP. द स्पीकर हैज आइडेंटिफाइड, ऑब्वियसली सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना है, हैज आइडेंटिफाइड मेनी इश्यूज बिसाइड्स चार्जिंग द ओपोनेंट्स ऑफ देयर इनएक्शन. तो आपका सही आंसर है QSRP बी. जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें ये देखना है कि क्या चीज क्लिक कर रहा है. क्लूज तो क्वेश्चन में ही रहते हैं, मगर वो क्लूज बहुत सारे क्लूज रहते हैं, मगर कौन से क्लूज आपको क्लिक कर रहे हैं. जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको पढ़ा था तो मुझे क्लिक किया था कि जो सोल्यूशन होता है वो हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन टी और टू लेता है. तो आपका क्यू और आर साथ होना चाहिए. मस्ट ऑफर कन्विंसिंग सोल्यूशंस टू द क्राइसिस. तो क्यू और आर का पेयर अगर आप देखोगे तो सिर्फ ए में है, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, इसमें तो आर क्यू है, और डी में भी नहीं, इसमें भी आर क्यू. तो आपका सही ऑप्शन क्या है, ए. अब और भी कई क्लूज है, मुझे तो मैंने तो इसको तीन चार सेकंड में सॉल्व कर लिया था, मगर और भी क्लूज है. अगर आप देखोगे तो एस से शुरू नहीं होगा. देखिए शुरुआत दिया हुआ है द गवर्नमेंट डाटा कॉजिंग सोशल फॉर्मेट नहीं होगा. तो गवर्नमेंट आया है तो फिर गवर्नमेंट सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज होना चाहिए था. यदि गवर्नमेंट के बाद ये वाला सेंटेंस आएगा तो आर की जगह इज होना चाहिए. तो ये गवर्नमेंट के लिए आ ही नहीं रहा, इसका मतलब आप एस से सेंटेंस शुरुआत नहीं हो सकता. तो आपका सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. अब देखिए द गवर्नमेंट एंड जॉब मार्केट दोनों में कोई कनेक्टिविटी नहीं है. जब हम एंड यूज करते हैं तो एंड हमेशा कनेक्टेड वर्ड्स के साथ यूज होना चाहिए, सेम तरीके के वर्ड्स के साथ यूज होना चाहिए. जैसे दो पॉजिटिव एंड, जैसे एंड दो पॉजिटिव को जोड़ेगा, एंड दो नेगेटिव को जोड़ेगा, दो नाउन को जोड़ सकता है. कभी भी एंड दो अलग अलग शब्दों को नहीं जोड़ता है. तो यहाँ पर आपका गवर्नमेंट के साथ पी नहीं आना चाहिए, गवर्नमेंट एंड जॉब मार्केट्स नहीं होगा. गवर्नमेंट अलग होता है, जॉब मार्केट्स अलग होता है, ये दोनों अलग अलग शब्द है जिसको एंड नहीं जोड़ सकता. तो पी भी नहीं होना चाहिए. तो आपका सी और डी दोनों एलिमिनेट हो गए. अब बचा क्यू एस आर पी एस. क्यू एस आर पी मैंने आपको पहले ही बता दिया सही आंसर ए होगा, क्यू आर पी एस. एक बार हम पढ़ लें, द गवर्नमेंट must offer convincing solutions to the crisis in the rural economy and job markets that are causing social ferment. अब देखो ये R आया है job markets के लिए, fine. सही answer QRPS. Question number 83. अब question number 83 आप देखोगे तो Q से sentence start नहीं हो सकता, ऐसे तो sentence नहीं start होगा ना. The best part of and locates the story.
तो क्यू से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, आपका ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. एस से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, द बेस्ट पार्ट ऑफ इट ब्रिंग्स बैक. ये सही नहीं है, द बेस्ट पार्ट ऑफ इट ब्रिंग्स बैक. हमें यही नहीं पता है कि यहाँ पर इट कौन है. पहले आप इट को इंट्रोड्यूस करोगे, नाउन को इंट्रोड्यूस करोगे, फिर उसके लिए जो प्रोनाउन आता वो लगाओगे. पहले ही प्रोनाउन लगाना तो सही नहीं है. तो आपका एस से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो आपका ए और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. बचा दो ऑप्शन आर एस पी क्यू पी आर एस क्यू. अगर सेंटेंस को आप अरेंज करोगे ढंग से तो आपको पता चलेगा सही आंसर आर एस पी क्यू है, बी है इसका सही आंसर. चलिए अरेंज करते हैं. द बेस्ट पार्ट ऑफ लॉन्ग फॉर्म जर्नलिज्म इज दैट इट ब्रिंग्स बैक द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल्स, लिटररी फ्लरिशेस एंड लोकेट्स द स्टोरी विद लार्ज फ्रेमवर्क ऑफ आवर वर्ल्ड. तो सही आंसर आपका है आर एस पी क्यू. क्वेश्चन नंबर 84 देखिए. क्वेश्चन नंबर 84 में मुझे, जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे क्लू दिखा आर और पी, क्योंकि यहाँ पर सैपलिंग्स है, यहाँ एम नहीं होना चाहिए. सैपलिंग्स है, सैपलिंग्स का मतलब पौधा, और पौधा ही बड़ा होकर फिर ट्री बनता है. तो यहाँ पर मुझे आर और पी का पैर दिखा. तो ये जो क्ल्यू जो मुझे मिला था, पैर वाला क्ल्यू, वो बहुत वीक क्ल्यू मिला था, क्योंकि सिर्फ डी ऑप्शन, सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं. आर और पी का पेयर आपको ए बी सी तीनों ऑप्शन में, सिर्फ डी में नहीं है, तो डी एलिमिनेट हो गया. तो ऐसे क्लू काफ़ी वीक होते हैं, जिसकी वजह से आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट होता है. क्लूज जो बहुत स्ट्रांग होते हैं उससे आपके तीनों के तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं. और कुछ ऐसे क्लूज होते हैं जो हमें दिखते हैं मगर वो वेस्ट होते हैं, क्योंकि उससे कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होता है. तीनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप अरेंज करोगे सेंटेंस को तो आपको पता चलेगा सही आंसर क्यू आर पी एस है. इसको मैं पढ़ लूँ. चिल्ड्रन ऑफ अ वार्म होम एंड सपोर्टिंग सराउंडिंग्स आर लाइक टेंडर सैपलिंग्स दैट ग्रो इन टू ब्यूटिफुल ट्रीज विद द सनशाइन एंड रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85. अब इस 85 क्वेश्चन में आर से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता. वी व्हेन वी सी ब्यूटी इन आवर वर्क, वी व्हेन वी सी, तो अब इसे आर से स्टार्ट नहीं होगा, तो बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. एस से भी स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि वी ऑलरेडी दिया है, वी एंड कनेक्ट लर्निंग, तो एस से भी नहीं होगा, तो बी और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं. अब बाकी दो ऑप्शन है क्यू आर एस पी पी आर एस क्यू में, अगर आप सेंटेंस अरेंज करोगे तो आपको सही मिलेगा क्यू आर एस पी. और इसमें आपको पेयर भी मिल रहा है. हम देखते हैं वी टेंड टू लर्न विथ इंटरेस्ट when we see beauty in our work and connect learning with life, real life experience. तो आपका सही आंसर क्यू आर एस पी. अब 86 क्वेश्चन, जैसे मैंने पढ़ा था तो मुझे इसमें एस और पी का पेयर दिखा था. आप स्टार्टिंग और एंड से भी क्ल्यू निकाल के ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, पेयर भी ढूंढ सकते हो. तो मुझे एस और पी का पेयर मिला था टू फर्दर एजुकेशन देयर बाय इंश्योरिंग द ग्रोथ ऑफ अ नेशन. तो एस और पी का पेयर है. फिर साथ में क्यू और पी का भी पैर है, क्योंकि जो इनएविटेबल है इसका मतलब अनअवॉइडेबल, और ये अपने साथ प्रेपोजिशन इन लेता है, इज इनएविटेबल इन डेवलपिंग द चिल्ड्रन. तो हमारे पास एस और पी का पैर और क्यू और आर का पैर है. तो एस और पी और क्यू और आर का पैर सिर्फ डी में है, तो आपका सही ऑप्शन डी होगा क्यू आर एस पी. इसको पढ़ लेते हैं. एलिमेंट्री एजुकेशन इज इनएविटेबल इन डेवलपिंग द चिल्ड्रन to further education there by ensuring the growth of a nation. अब देखिए इसमें Q से start नहीं हो सकता. National Building Organization and disseminates the statistical information. National Building Organization verb subject है, तो इसके बाद verb आना चाहिए. and क्यों आया, यदि and आया है तो फिर noun है, तो फिर एक कोई noun आए, तो यहाँ पे verb कैसे आ गया. and हमेशा दो verb, दो noun, दो pronoun, दो adverb, दो adjective को जोड़ता है, अपने same वाले word को जोड़ता है, ठीक है. कभी भी नाउन, ये नाउन है, उसके बाद एंड आके फिर वर्ब नहीं होता है. तो आपका ये क्यू से अगर शुरू हो रहा है तो वो सेंटेंस गलत है, वो ऑप्शन गलत है, तो आपका ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है. फिर अगर आप देखोगे एक और हिंट मिलता है, आर और क्यू का पेयर मिलता है. इसमें लिखा है कलेक्ट्स वर्ब है, टैबलेट्स वर्ब है, और कौन सा वर्ब, एंड डिसेमिनेट्स. तो तीन वर्ब हो गए, कलेक्ट टैबलेट्स एंड डिसेमिनेट, एक ही टाइप का वर्ब जिसको एंड जोड़ रहा है. तो आपका R और Q का पैर है, तो R और Q का जो पैर है आपको, देखिए A ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है. R और Q का पैर सिर्फ आपको C और D में मिल रहा है, B ऑप्शन हट चुका है, ठीक है, क्योंकि इसमें R Q का पैर दूर दूर है. तो आपका C और D ऑप्शन सही है. अब इसमें भी अगर आप अरेंज करोगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा सही आंसर R Q S P है. इसको मैं पढ़ लेती हूँ. नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स टैबलेट्स and disseminates the statistical information
on housing and building construction activities besides conducting surveys on housing. अब क्वेश्चन नंबर 88 में आपका सेंटेंस आर से शुरू नहीं होगा. द हिमालयन रेंज टू अ चेन ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स, तो इसलिए आर से शुरू नहीं होगा. तो आपका अब तीन ऑप्शंस बाकी है. डी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया है. दूसरी चीज़ आप देखिए, एस में टावर्स है, तो टावर्स आपका सिंगुलर है, ये वर्ब है और सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए. तो हिमालयन रेंज के लिए आया है तो आपका शुरुआत एस से होना चाहिए. तो आपका ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया. बचा बी और सी. बी और सी में अगर आप लोग इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेंटेंस को अरेंज करोगे तो आपको सही ऑप्शन एस क्यू आर पी नजर आएगा. द हिमालयन रेंज दैट टर्न्स ओवर द कांगरा वैली इज होम टू अ चेन ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड लेक सेक्रेट टू द गड्डी पीपल. सही आंसर आपका सी है, एस क्यू आर पी.